नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मैं हूं नमन अग्रवाल। कोसी के कुख्यात डॉन पप्पू देव की पुलिस हिरासत के दौरान कथित हार्ट अटैक से मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। मीडिया में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से साफ हो गया है कि पप्पू देव की निर्मम पिटाई से ही हत्या हुई थी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि पप्पू देव की मौत सुनियोजित हत्या है। पोस्टमार्टम के मुताबिक पप्पू देव के सिर पर गंभीर चोट के कारण ब्रेन के अंदर की नस पड़ गई, जिससे हार्ट फेल हो गया। रिपोर्ट के अनुसार पप्पू देव के पूरे शरीर पर जख्म के 30 गंभीर निशान पाए गए। सारे निशान किसी कठोर और भोथरा वस्तु से मारे जाने के कारण आए थे, ऐसा माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पप्पू देव की मौत का कारण सामान्य हार्ट अटैक नहीं, बल्कि पप्पू देव के ब्रेन की नस फट जाने के कारण सिर में पूरा खून जमा हो गया होगा। इसके कारण ही हार्ट अटैक और सांस लेने का पूरा सिस्टम फेल हो गया और पप्पू देव की मौत हो गई। मेडिकल टर्म में डॉक्टरों की टीम ने लिखा है कि ब्रेन में हेमाटोमा के कारण कार्डियो रेस्पिरेटर सिस्टम फेल हो गया था, जिसके कारण मौत हुई। जहां पर ब्रेन की नस फटी, वहां बाहर चोट का गंभीर निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू देव के ब्रेन की नस फटकर जहां खून जमा हुआ था, उसके ठीक बाहर बाई ओर ललाट के ठीक ऊपर चोट का गंभीर निशान था। चोट का ये निशान मेडिकल टर्म में ब्रूस कहा जाता है। डॉक्टरों ने लिखा है कि बाई ललाट के ऊपर 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा ब्रूस यानी चोट का गहरा निशान था। वे निशान वही जगह है जहां सिर के अंदर खून निकलकर जमा हो गया था, जो मौत का कारण बना। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी कठोर और बोथरे चीज की चोट से बना निशान है। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम की रिपोर्ट में पप्पू देव के शरीर पर चोट के 30 निशान का जिक्र किया गया है। सबके सब किसी कठोर और बोथरे वस्तु के मारे जाने के निशान है। लगभग सारी चोट गहरी और गंभीर है। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किन चोटों का जिक्र किया गया है। पहला, बाएं ललाट के ऊपर चोट का गहरा निशान। दूसरा, दाई आंख के नीचे चोट का गहरा निशान। तीसरा, दाएं हाथ पर वी आकार में चोट का निशान। चौथा, बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून खींचने के कारण जख्म। पांचवा, दाई जांघ पर चोट के 5-5 इंच के 2 गहरे निशान। छठा, दाई घुटने पर जख्म के गहरे निशान। सातवा, दाई जांघ के नीचे हिस्से पर चोट के 5 इंच का निशान। आठवा, दाई जांघ पर इस चोट के ठीक नीचे फिर एक चोट का निशान। नवा, दाई पैर पर चोट के 3 निशान। दसवा, दाई पैर के निचले हिस्से में चोट के 4 निशान। ग्यारहवा, दाएं पैर के लोअर एंटेरियर पर जख्म। बारहवा, बाएं पैर के एंटेरियर पर जख्म के निशान। तेरहवा, बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर चोट के निशान। चौदहवा, बाएं जांघ पर चोट का निशान। पंद्रहवा, बाएं घुटने पर चोट के निशान। सोलहवा, बाएं घुटने के नीचे जख्म का निशान। सत्रहवा, बाएं जांघ के निचले हिस्से में चोट का निशान। अठारहवा, बाएं जांघ के बीच में चोट का निशान। उन्नीसवा, बाएं रिंग फिंगर के नाखून पर चोट का निशान। बीसवा, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर पर चोट के साथ उंगली के अंदर भीतर खून का जमा होना। 21वां, बाई कलाई पर चोट का निशान। 22वां, बाई हाथ की कोहनी के ऊपर चोट का निशान। 23वां, बाई कोहनी पर चोट का एक और निशान। 24वां, बाई बांह पर गंभीर चोट का निशान। 25वां, बाई हाथ के बीच में चोट का निशान। 26वां, बाई कंधे के पास जख्म का निशान। 27वां, बाई कूल्हे पर जख्म का निशान। 28वां, गुदे के बाएं निचले हिस्से पर चोट के निशान। 29वां, गुदे के दाहिने हिस्से पर जख्म के निशान। 30वां, बाएं कूल्हे के पास जख्म के 3 निशान। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि पप्पू देव के शरीर पर जख्म के लगभग 40 निशान थे और डॉक्टरों के मुताबिक सारे निशान भोथरे और कठोर वस्तु से मारे जाने के कारण बने। मेडिकल रिपोर्ट में लाठी या बंदूक पिस्तौल का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन जिस हार्ड एवं ब्लड सब्सटेंस से जख्म होने का जिक्र किया जा रहा है वह लाठी या राइफल बंदूक का बट हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू देव की मौत की जो कहानी सरसा पुलिस बता रही थी वह गलत साबित हो गई है। पप्पू देव की मौत सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि बर्बर पिटाई के कारण हुई मौत थी। याद रहे कि सरसा में पिछले 18 दिसंबर को पुलिस हिरासत में पप्पू देव की मौत हो गई थी। इसी बीच सरसा में शनिवार को पप्पू देव समर्थक आक्रोश मार्च निकालने वाले थे, किंतु अनुमति न मिलने के कारण नहीं निकाल सके। उपरोक्त जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों में एसपी विश्वास, जो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट सदर हॉस्पिटल है, सहरसा अखिलेश्वर प्रसाद मेडिकल ऑफिसर, एसके आजाद मेडिकल ऑफिसर थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।